हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे ऑसियोरिडी कप की, जो मैच होने वाला है तस्मानिया वर्सेस क्वींसलैंड के बीच में। तो उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले बात करेंगे आज की ही हमारी विनिंग की। आज मैंने आपको यहाँ पर एक टीम दी थी, आप देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो जो मैंने आपको स्मॉली की टीम दी थी, उसी से मैंने यहाँ पर एक ग्रैंडली खेली थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वाइस कैप्टन हमारी हेली थी, कैप्टन हमारी सोफी डिवाइन थी। हालांकि कोई बहुत अच्छी चॉइसेस हमने नहीं करी, बट हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हमेशा ही बेटर रहती है, इसकी वजह से हम अच्छा खासा विन कर लेते हैं। और बाकी के 9 प्लेयर डिसाइड करते हैं कि आप ग्रैंड लीग तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं सोफी मॉलिक्स को लेकर भी मैंने आपको एक ग्रैंड लीग की टीम दी थी, जिसमें मैंने आपसे बोला था आप इनको कैप्टन रख सकते हैं। हालांकि इनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट नहीं करा गया, अगर इनको प्रमोट करा जाता तो बेस्ट ये आपके लिए होती ग्रैंड लीग के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम देखेंगे तो ग्रैंड लीग की टीम भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्टन हेली है, वाइस कैप्टन एलिसा पेरी है। बट सोफी मॉलिक्स अगर अच्छा खेल जाती तो आपको ग्रैंड लीग भी विन करवा सकती थी। यहाँ पर मैं सोफी मॉलिक्स की टीम से खेल नहीं पाया, मैं उसको लगा ही नहीं पाया, मैं भूल गया था। यहाँ पर बस मैं टीम वन के साथ ज्वाइन हो गया था, बाकी बाद में मैंने देखा तो यहाँ पर टीम टू और टीम थ्री मेरी यहाँ पर ज्वाइन हुई ही नहीं थी। और अगर आपने उस टीम से भी ज्वाइन किया होगा तो आपने अच्छा खासा विन किया होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ पर अच्छा खासा विन कर रहे होंगे। और मेरे हिसाब से इस मैच में तो आपने सारी स्मॉल लीग विन कर ली होगी, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम लोगों ने यहाँ पर हेली को वाइस कैप्टन बनाया था, हमने बनाया था, तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा विन भी किया। ये तो बात हो गई आज के मैच की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्वींसलैंड वर्सेस तस्मानिया। तो आपको पता है यहाँ पर सेमीफाइनल का फर्स्ट मैच है, और इसके अलावा जो भी इस मैच को विन करेगा वो फाइनल्स में पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। दोनों टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगी। दोनों ही टीमों में कुछ चेंजेस होंगे, आपको बता दूँ। यहाँ पर कुछ इंजरी कंसर्न है, इसके अलावा यहाँ पर स्क्वाड में कुछ चेंजेस हुए, यानी कि कुछ नए प्लेयर स्क्वाड में शामिल किए गए हैं और इस मैच में डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत फायदा हो सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले दोनों ही टीमों का लाइनअप क्या हो सकता है। पिच कंडीशन की बात करें तो आपको पता है सिडनी की पिच है, 290-300 के आसपास का स्कोर ज्यादा है और दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है। क्वींसलैंड की बात करें तो ये थोड़ी सी कमजोर है, 5 में से यहाँ पर इन्होंने एक ही मैच विन करा है। तस्मानिया की बात करें तो 5 में से 3 मैचेस विन करें। क्वींसलैंड की टीम यहाँ पर ऑटोमेटिक क्वालीफाई हुई, बिकॉज लास्ट मैच यहाँ पर रेन की वजह से एबेंडेंट हो गया था, तो ये क्वालीफाई हो गए। हालांकि इनके चांसेस नहीं थे क्वालीफाई होने के। तस्मानिया एक बेटर टीम है, तो मैं यही बोलूंगा आप 6 से 7 प्लेयर तक तस्मानिया के लीजिएगा और 4 से 5 प्लेयर क्वींसलैंड के लेना। क्वींसलैंड उतनी फेवरेट नहीं है, तस्मानिया बहुत फेवरेट यहाँ पर रहने वाली है और मेरे हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर तस्मानिया के प्लेयर्स करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले लाइनअप की। तो गाइस, इससे पहले हम बात करें लाइनअप की, यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो इसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं, जैसे आपको पता है आज अपडेट आई थी, फाफ डुप्लेक्स को यहाँ पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो अगला मैच होगा उसमें ये आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। और आज के मैच की यहाँ पर बिग न्यूज़ आपको दे दूंगा, जेवियर बार्लेट यहाँ पर रोल्ड आउट हो गए, यानी क्वींसलैंड की टीम से। तो ये भी न्यूज़ आपको पहले यहाँ पर मिल जाती है ग्रुप में, उसके बाद वीडियो में अपलोड होती है। तो आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको बेस्ट टीमें मिलती हैं, प्लेस स्पॉट वगैरह की टीमें भी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो देख लेते हैं क्या लाइनअप हो सकता है। तो भाई, इससे पहले हम लाइनअप की बात करें, यहाँ पर आपको बता दूँ जेवियर बार्लेट यहाँ पर क्वींसलैंड की टीम से रूल्ड आउट हो गए, तो ये इस मैच को नहीं खेलेंगे। तो आपको बार्लेट को किसी भी टीम में नहीं रखना है। एक अच्छे पेसर थे इनकी जगह पे, जो टीम ने रिप्लेसमेंट डाला है उसमें ब्लेक एडवर्ड्स को लाया गया है, मतलब एज अ रिप्लेसमेंट ब्लेक एडवर्ड्स को लाया गया, ये भी पेस बॉलर है। तो टीम चाहे तो उनको डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ला सकती है, या फिर यहाँ पर 2 और पेस बॉलर है टीम में, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। तो वो कौन से 2 पेस बॉलर हैं उसमें, यहाँ पर एक तो एंड्रू गोडे आते हैं और दूसरे यहाँ पर ल्यूक फेल्डमैन आते हैं, तो इन दोनों के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी ब्लेक एडवर्ड्स को एज अ रिप्लेसमेंट लाया गया, तो इन तीनों में से कोई भी खेल सकता है, तीनों ही बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से ब्लेक को मिलेगी, बिकॉज एज अ रिप्लेसमेंट लाया गया है। हालांकि ल्यूक फेल्डमैन का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, बट लास्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो इनके भी चांसेस हाई है। एंड्रू गोडे के चांसेस थोड़े से कम है, तो बस यही एक चेंज हो सकता है क्वींसलैंड की टीम से। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पिछले मैच में थी प्लेइंग 11 वही रहेगी। यहाँ पर आपको बता दूँ जो इनका स्क्वाड है वो, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये इनका स्क्वाड है। यहाँ पर स्क्वाड में जो 14 प्लेयर का मेंबर्स को घोषित किया गया, जेम्स पियर्सन यहाँ पर कैप्टनसी करेंगे, फिर मैक्स ब्रंट है, जो बंस है, ब्लेक एडवर्ड्स हैं, ल्यूक फेल्डमैन है, एंड्रू गोडे है, सैम हेजेट है, चार्ली हेम्फ्री है, मैथ्यू कोनमैन है, क्रिसलिन बिली स्टेनलिक, मार्क स्किट और मिचेल स्वेप्सन और सैम टर्लॉफ। तो ये यहाँ पर आपको स्क्वाड दिखा दिया मैंने। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो लगभग सेम रहने वाली है। हेजेट ओपन करेंगे मैक्स ब्रिंट के साथ, फिर क्रिसलिन आएंगे, फिर चार्ली हेम्फ्री आएंगे, फिर जो बंस है, जिमी पियर्सन है, मार्क स्टिकेट है, फिर मिचेल स्वेप्सन है, मैथ्यू कोनमैन, बिली स्टेनलिक और इसके अलावा ब्लेक एडवर्ड्स, ल्यूक फेल्डमैन और एंड्रू गोडे के चांसेस है खेलने के, जिसमें भी सबसे ज्यादा चांस मुझे लग रहा है ल्यूक फेल्डमैन के। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम तस्मानिया की टीम की। तस्मानिया की टीम ने भी यहाँ पर अपना स्क्वाड घोषित किया है, यहाँ पर 2 चेंजेस इन्हें बड़े करे हैं। तो क्या चेंजेस वो देख लेते हैं। तो एरोन समर्स को यहाँ पर स्क्वाड से निकाल दिया गया है, स्क्वाड में नहीं है अब एरोन समर्स और गेब बेल, तो ये 2 प्लेयर्स को यहाँ पर स्क्वाड से हटा दिया गया। तो आपको गेब बेल को बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, एरोन समर्स को बिल्कुल ट्राई नहीं करना, स्क्वाड से हटा दिया गया। इनकी जगह पर हमीश किंगस्टन को लाया गया, बहुत शानदार बैट्समैन है, और एलेक्स रूलन जो कि अपनी बैटिंग धुआंधार बैटिंग के लिए जाना जाते हैं। तो दोनों ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, मेरे हिसाब से यहाँ पर डायरेक्टली इनको प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से एक आध ही चेंज करेगी तस्मानिया की टीम, बिकॉज तस्मानिया की टीम ज्यादा चेंजेस नहीं करती, चेंजेस भरोसा नहीं करती है। बट यहाँ पर वेबस्टर जो थोड़ा सा यहाँ पर लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनकी जगह पे मुझे लग रहा है एलेक्स डूलन या फिर हैमिस किंगस्टन को लाया जा सकता है।
एलेक्स वुडलन के थोड़े से ज्यादा चांस लगता है, एलेक्स वुडलन टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, तो इनको ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से टीम लगभग सेम रहने वाली है, तो मैथ्यू वुड ओपन करेंगे बेन मैकडॉर्मेट के साथ, फिर वेबस्टर की जगह पर चाहे तो एलेक्स वुडलन को खिला सकते हैं या फिर हमीश को खिला सकते हैं, दोनों में इसकी जगह को खिला सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। फिर यहाँ पर जॉर्डन सिल्क आएंगे, फिर जॉर्ज बेली है, सिमन मिलेंको है, थॉमस रॉजर्स है, क्लाइव रोज, गुरिंदर संधू, जैक्सन बर्ड और रिले मैरडे, तो लगभग लगभग पिछले मैच की ही प्लेइंग 11 रहने वाली है। बस यहाँ पर एक चेंज होगा, वेबस्टर की जगह पे डूलन या फिर हैमिस किंगस्टन, जिनको स्क्वाड में भी शामिल किया गया लाया जा सकता है। बाकी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ ब्लेक एडवर्ड्स, लूक फेडलमैन और एंड्रू गोडबिस को एक खेल सकता है, जेवियर बालेट की जगह पे, बिकॉज बालेट इंजर्ड हो गए, उनको बैक फ्रैक्चर है, तो उनको आप मत लीजिएगा टीम में। ये तो बात होगी प्लेइंग 11 की, अब बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम की, देख लिया आपके लिए क्या बेस्ट टीम यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो इससे पहले हम कंटिन्यू करें आगे वीडियो को, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे बेस्ट से बेस्ट वीडियो भी बनाने की मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइक की वजह से। और आपने देखा लास्ट मैचेस में दो तो भाई, इससे पहले बात करें हम यहाँ पर टीम की, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टाइम वीडियो मिलते रहे। तो लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करते हो तो मुझे यहाँ पर मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाता है, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पता है 2 से 2.5 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, बिकॉज सिर्फ 10 मिनट का वीडियो रहता है या 15 मिनट का वीडियो रहता है, बट उसके पीछे जो मेहनत रहती है वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे की रहती है, और आपको दिख जाता है वो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में जो आपके लिए बेस्ट टीम मैं क्रिएट करता हूँ वो चलती भी है, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक प्लेयर की यहाँ पर ड्रिल निकाल के रखता हूँ, फिर जाके मैं उनको टीम में चूज करता हूँ। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, लाइक का टारगेट ज्यादा नहीं रखते हैं, 250 लाइक रखते हैं, मुझे पता है आप ज्यादा ही कर देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जो मेन वीडियो है हमारा, बिकॉज आपको पता है मेन टीम तो हमारी यही रहने वाली है और यही टीम आपको मेरे हिसाब से स्मॉल लीग विन करवा देगी, बाकी ग्रैंड लीग के भी आपको चॉइसेस दे दूंगा। तो एक बैलेंस टीम बनाने की मैंने कोशिश करी, जैसे आपको पता है तस्मानिया की टीम यहाँ पर फेवरेट है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 6 प्लेयर रखने तस्मानिया के, सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पर क्वींसलैंड की टीम को आप 4 से 5 प्लेयर रखिए बट क्वालिटी प्लेयर रखिए। यहाँ पर मैंने क्रिस लिन को लिया है, सैम हैज़र्ड को लिया है, ब्रेंट को लिया है, स्टिकेट और स्वेप्सन, तो ये मैंने कुछ प्लेयर्स चूज करे हैं अपोजिशन की टीम से। तो फेवरेट तो यहाँ पर तस्मानिया की टीम रहेगी, तो तस्मानिया की टीम से ही ज़्यादा प्लेयर्स लेना। मैथ्यू वेड और जिमी पियर्सन की बात करें तो पियर्सन कभी कभी परफॉर्मेंस देते हैं अगर बैटिंग आ पाती है, तो आप चाहे उनको ले सकते हैं, बाकी मैथ्यू वेड ओपन करेंगे इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पर हम बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में क्रिस लिन को ले रहा हूँ जो कि अपनी टीम से लगातार रन फायर कर रहे हैं। बेन मैकडॉर्मेट की बात करें तो कई सेंचुरीज लगा चुके हैं सीजन में, फिर सैम हैज़र्ड की बात करें तो ये भी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पर एलेक्स डूरन के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस मैच में आने के, तो आप इनको ले सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं इनको बहुत कम लोगों ने लिया है, हालांकि ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, सिर्फ 2% लोगों ने इनको ले रखा है। अगर आप चाहें तो इनको टीम में कैप्टन बना सकते हैं, बिकॉज बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, अगर इनको टीम मौका देती है इस मैच में तो कुछ बड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर और बैट्समैन की, तो मैक्स ब्रेंट को मैंने लिया है क्वींसलैंड से और जॉर्डन सिल्क को लिया है तस्मानिया की टीम से। आपके पास ऑप्शन में जो बंस भी हैं जिन्होंने अभी एक अच्छी पारी खेली थी, तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं 5 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये 5 आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने मार्क स्टिकेट को लिया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने फिर लिया है टॉम रॉजर्स को। बाकी वेबस्टर के चांसेस थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं इस मैच में और एंड्रू गॉडी का भी कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन टॉम रॉजर्स होंगे, पूरे 5 से 10 ओवर तक फेंक लेते हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, इनको जरूर पिक कर लेना, मार्क स्टिकेट को पिक कर लेना, दो ऑप्शन बेहतरीन है। बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में मैंने कोशिश करी है जो अच्छी बैटिंग भी करते हैं उन प्लेयर्स को मैं यहाँ पर टीम में रखूँ, तो उसमें मैंने यहाँ पर स्वेप्सन को रखा है, हालांकि कुछ खास बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं और कभी कभी की बैटिंग नहीं आ पाती है, तो ले तो रहा हूँ बिकॉज आपको पता है बैटिंग में थोड़ा बहुत चांस रहता है, 10-15 रन भी लगा दें तो वो भी बहुत है, और बाकी बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं कोई इस लड़को ज़्यादा विकेट मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से मेन बॉलर है तो टीम इनको शुरुआत में ही 10 ओवर इनके पूरे करवा देगी, तो ये इंपॉर्टेंट है पूरे 10 ओवर अपने प्लेयर करें और उसमें विकेट उनको मिलने के चांसेस रहते हैं। क्लाइव रोज की बात करें तो बैटिंग बहुत शानदार कर लेते हैं, इसके अलावा बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक ऑलराउंडर ही आप इनको मान के चलिए। गुरिंदर संधू की बात करें तो एक की बॉलर है टीम के लिए, और तस्मानिया की टीम जैसे कि आपको पता है फेवरेट रहने वाली है, तो ये 2 प्लेयर्स को मैं जरूर टीम में रखूंगा। अगर आप चाहें तो तस्मानिया की टीम से एक और बॉलर रख सकते हैं, बट आपको स्वेप्सन को ड्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ी सी अनबैलेंस टीम बन जाएगी, बट आपको पता है तस्मानिया फेवरेट रहने वाली है, तो आप चाहें तो यहाँ से तस्मानिया किसी बोलर को ले सकते हैं जैसे कि रिले मैरडे, बिकॉज आपको पता है तस्मानिया की टीम मेरे हिसाब से ऑल आउट करेगी क्वींसलैंड की टीम को, तो आप ऐसी भी एक टीम बना सकते हैं, बट थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाएगी इसलिए मैंने स्वेप्सन को यहाँ पर कंसिडर किया है। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो कुनमैन भी बहुत ही बेहतरीन शानदार फॉर्म में, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट उस कंडीशन में आपको टॉम रॉजर्स को छोड़ना पड़ेगा या फिर बैटिंग सेक्शन से किसी एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा। बस यही कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, बाकी आपको बता ही चुका हूँ न्यूज़, गैबी वेल को स्क्वाड से निकाल दिया गया है, एरोन समर्स को स्क्वाड से निकाल दिया गया है और इनकी जगह पे हमीश किंगस्टन वगैरह को लाया गया है एलेक्स वुडलन को। भाई हमीश किंगस्टन की बात करो तो एक मेन बॉलर है, बाकी बैटिंग वैटिंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, आप देखिए आप लिए बेस्ट एडवाइजर कौन होंगे, तो कैप्टन यहाँ पर मैंने बेन मैकडॉर्मेट को रखा है, बिकॉज फेवरेट रहने वाले तस्मानिया टीम से, और इसका सिलेक्शन भी हुआ है यहाँ पर डिजिटल टीम में जो अभी टूर होगा
नेशनल टीम का, तो उसमें इनको शामिल किया गया। इनकी बैटिंग को देखते हुए इनको मैं कैप्टन रख रहा हूँ। वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने यहाँ पर सैम हेजर्ड के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो क्रिस्टन के साथ जा सकते हैं। तो ये कुछ तीन चार प्लेयर बहुत अच्छी जिनके साथ आप ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं, स्मॉल लीग भी खेल सकते हैं। कैप्टन में हिसाब से आपके लिए बेस्ट बेन मैकडोमेट ही रहने वाले। वाइस कैप्टन आप क्रिस्टन या फिर सैम हेजर्ड में से किसी एक को चूज कर लें। बाकी ग्रैंड लीग की बात करें तो टॉम रॉजर्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, बिकॉज बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बॉलिंग पूरे 5 से 10 ओवर तक करा लेते हैं। थोड़ी सी यूनिक चॉइस रहेंगी ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में क्लाइव रोज को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और गुरिंदर संधू, बिकॉज आपको पता है तस्मान टीम को मेरे हिसाब से 10 विकेट मिलने वाले हैं, और ऐसे में इन प्लेयर्स को 2 से 3 विकेट तक मिल सकते हैं। और अगर कोई 3 या 4 विकेट तक पहुंच जाता है तो आपको ग्रैंड लीग में भी विन करवा देगा। तो सेव करते हैं टीम को, एक बार प्रीव्यू आपको दिखा रहा हूं। तो ये मेरी टीम रहने वाली स्मॉल लीग की। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बेन मैकडोमेट, सैम हेजर्ड और क्रिस्टन, ये तीन ही ऑप्शन मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहने वाले। ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो यहाँ पर बोलर्स को ट्राई कर लेना तस्मानिया के, जो मुझे लगता है 10 विकेट निकालेंगे। बाकी मैथ्यू वेड बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली थोड़ा सा खराब रहा है। शुरुआत में यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म में थे। यहाँ पर आपको मैं इनका थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में बहुत अच्छी पारी खेली, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन गए, फिर 2 बार 0 पे आउट हो गए, फिर लास्ट में 30 रन फायर किए, यानी 30 पॉइंट्स फायर किए। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस कुछ बड़ा करने की, तो इनको भी आप ग्रैंड लीग में टीम में कैप्टन बना दें। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम की। अब बात करेंगे यहाँ पर हम फेबुलस इलेवन की। तो फेबुलस इलेवन क्या है वो देख लेते हैं, कैसी क्या साइट है, उस पर आप कैसे खेल सकते हैं, कैसे कुछ विन कर सकते हैं। बिकॉज उसमें आपको पेटीएम विड्रॉल मिलता है, उसमें आपको पैन कार्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पर बैंक विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो देख लेते हैं उस पर हम क्या टीम बना सकते हैं, कैसे विन कर सकते हैं, कुछ बोनस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन खोल लिया फेबुलस इलेवन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें आप 100% बोनस तक ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोनस ऑफर्स हैं, इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रुपये पे 10 रुपये कैश बोनस मिल रहा है, 60 पे 60 मिल रहा है, 100 पे 100, 200 पे 200। तो इनकी ऑफर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कैश बोनस की, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे मेरे कोड से, साइन अप कोड जब मेरा डालेंगे, यानी कि आप रेफरल कोड जब मेरा डालने वाले होंगे साइन अप के टाइम पे, तो आपको यहाँ पर कुछ बोनस मिल जाता है अगर मेरा कोड आप डाल देते हैं। यहाँ पर मेरा कोड आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरा कोड जो है वो है यहाँ पर 0K3XPO, ठीक है। तो शुरुआत में 0 है नंबर वाला और लास्ट में O है अल्फ़ाबेट वाला। तो आपको शुरुआत यहाँ पर 0 से करनी है ये, और लास्ट में यहाँ पर O है। तो ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इसकी मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, एप्लीकेशन लिंक भी दे दूँगा, और इसके अलावा रेफरल कोड भी दे दूँगा, जहाँ से आप साइनअप कर सकते हो। आपको कुछ बोनस यहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ लीग से जैसे कि आप 10 मेंबर से ज़्यादा की लीग खेलेंगे, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली 100% कैश बोनस से एंट्री मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कैश बोनस बढ़ रहा है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम ज़रूर यूज़ कर लें। और इसके अलावा आप पेटीएम में विड्रॉल ले सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम के अलावा आप चाहे तो बैंक विड्रॉल भी ले सकते हैं, बट पेटीएम विड्रॉल थोड़ा सा बेटर रहता है, बिकॉज उसमें आपको पैन कार्ड वगैरह की झंझट रही रहती है। तो उसको आप जरूर ट्राई कर लें उस विड्रॉल को। तो यहाँ पर आप कैसे विन कर सकते हैं, तो उसको उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस मैच की मैं आपको टीम दे रहा हूँ, क्रिएट टीम करता हूँ। यहाँ पर आपके लिए पहले से मैंने एक टीम बनाई, उसी को ऐड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि टॉम रॉजर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो स्क्वाड थोड़ा सा लिमिटेड है और इसमें आप बहुत विन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, जिमी पियर्सन, मैथ्यू वेड। बेस्ट ऑप्शन मैथ्यू वेड की रहने वाली है। बैटिंग सेक्शन में बात करें तो बेन मैकडोमेट को लिया है, जॉर्ज बेली, सैम हेजर्ड, जॉर्डन सिल्क को ले रखा है। जॉर्ज बेली को मैंने इसलिए लिया बिकॉज थॉमस रॉजर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैंने जॉर्ज बेली को कंसीडर किया एक बैट्समैन में। आप चाहें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला सकते हैं। जॉर्डन सिल्क को लिया है, मैक्स ब्रांड को लिया है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो जो बंस है, इसके अलावा अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो एलेक्स डोलन को ले सकते हैं, बट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। और यहाँ पर सैम टर्लॉफ स्क्वाड में शामिल है, बट मेरे हिसाब से चांस नहीं है इनके खेलने का। चार्ली हैम्फ्री को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप स्टेकेट में हिसाब से बेटर ऑप्शन है। व्यू वेबसाइट के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, और बाकी फिर यहाँ पर और कोई नहीं खेल रहा है। यहाँ पर आप चाहे तो मिलेंगो भी ले सकते हैं। बॉलिंग में बात करें तो क्लाइव रोज को मैंने लिया है, गुरिंदर संधू को लिया है, और इसके अलावा बालेट नहीं खेला तो इनको मत लीजिएगा टीम में। आप चाहे तो स्टैनलिक को ले सकते हैं, फेडरल बैंक के भी चांसेस है इस मैच में खेलने के। और इसके अलावा यहाँ समर्स को स्क्वाड से निकाल दिया गया है, और स्वैपसन को आप ले सकते हैं, और कोनमैन को मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ी सी यूनिक टीम बनी है, बिकॉज स्क्वाड थोड़ा सा छोटा है, यानी कि जो प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हो थोड़े से कम है, बट इसमें भी आप विन कर सकते हैं। कैप्टन यहाँ पर वही बना रहा हूँ, कैप्टन मैंने मेरे बैन मैकडोमेट होंगे, वाइस कैप्टन हेजर्ड होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बता ही चुका हूँ, आप क्रिस्टलिन को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्रिस्टलिन स्क्वाड में शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो टीम दी गई उसमें यहाँ पर क्रिस्टलिन नहीं है। क्रिस्टलिन खेलेंगे प्लेइंग 11 में, बट यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्रिस्टलिन को नहीं लिया है। हालांकि अगर अपडेट होते हैं तो मैं यही बोलूंगा आप क्रिस्टलिन को ले लीजिएगा। यहाँ पर आप बेली वगैरह को या फिर किसी एक प्लेयर को हटा के क्रिस्टलिन को अपनी टीम में जरूर रख लीजिएगा। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं ले रहे, बाकी वो खेलेंगे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे। तो ये हो गई हमारी टीम, इसका एक बार आपको प्रीव्यू दिखा दो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी आपको लिंक दे दूंगा, जिसपे एप्लीकेशन लिंक और इसके अलावा रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर कुछ बोनस मिल जाएगा जब आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड डालेंगे साइनअप के टाइम पे। तो गाइस अब वीडियो करेंगे खत्म, और यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लीग। जैसे कि आपको बता चुका हूँ 10 मेंबर से ज़्यादा की आप लीग यूज़ कर ज्वाइन करेंगे तो आपको 100% बोनस एंट्री मिल जाएगी, तो आप उसका जरूर ध्यान रखें। और पेटीएम विड्रॉल के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, आपको पूरा एक दिन ही लगता है, एक दिन लगता है बैंक विड्रॉल ले लो चाहे पेटीएम विड्रॉल ले लो, और ये टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, यानी कि इंस्टेंट पेटीएम विड्रॉल और इंस्टेंट बैंक विड्रॉल आपको मिलने लगेगा कुछ टाइम के बाद। तो गाइस फिलहाल के इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ध्यान सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।